पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। बीजेपी के इस कदम को पश्चिम बंगाल में पैर पसारने की कोशिश कह रही पार्टी का अहम कदम माना जा रहा है। 30 मई को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी की दूसरी बार ताजपोशी के लिए बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, राजनीतिक हस्तियों, देश की अहम शख्सियतों को भी बुलाया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। बीजेपी के इस कदम को पश्चिम बंगाल में पैर पसारने की कोशिश कर रही पार्टी का अहम कदम माना जा रहा है। इन वीआईपी हस्तियों के बीच कुछ वैसे चेहरे भी शामिल हैं जो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, जिनके परिवार के लोगों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आगे बढ़ाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बीजेपी ने ऐसे 54 लोगों को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया है। बीजेपी इन सभी कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों को शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में विशेष रूप से बुलाया है। जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, दिल्ली में उनके परिवारों के लोगों के रहने ठहरने की सारी व्यवस्था पार्टी ने की है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।